कक्षाओं में सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। दसवीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में यह तीसरा पाठ है वाहरे हमदर्द। यह पाठ का शीर्षक है। इस पाठ के लेखक घनश्याम अग्रवाल जी हैं। शुरू में अगर हम पाठ का जो शीर्षक है, शीर्षक के बारे में अगर हम विचार करें तो यह एक विस्मयादि बोधक का अव्यय है। इस शीर्षक इस पाठ की जो विशेषता है, यह एक हास्यव्यंग निबंध का पाठ है। हम पहली कक्षा से हर भाषाओं में अनेक पाठ का अभ्यास करते आए हैं, लेकिन हर पाठ की किसी न किसी प्रकार की विशेषता होती है। यहां भी इस पाठ की जो विशेषता है, एक हास्यव्यंग निबंध का यह पाठ है। इसमें एक व्याकरण की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो वाहरे हमदर्द, इसमें वाहरे यह विस्मयादि बोधक का अव्यय है। इस पाठ के जो लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी, अगर इनका हम संक्षिप्त में अगर परिचय देखें तो इनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। अग्रवाल जी की जो रुचि है, यह अध्ययन काल से लेखन में विकसित हुई है। अपने आसपास की जो प्रत्येक स्थिति है, इस स्थिति या घटना का हास्य में ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना, यह उनके लेखन की क्या है विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय कवि रहे हैं। उन्होंने अपने लेखन साहित्य में अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी है। उसमें हैसी घर के आईने, यह उनका हास्य व्यंग प्रसिद्ध है। आजादी की धुन, आईने एवं स्वाई, यह उनका हास्य कविता संग्रह प्रसिद्ध है। अपने अपने सपने, यह उनका लघु कथा संग्रह प्रसिद्ध है। प्रस्तुत वाहरे हमदर्द इस पाठ में हास्यव्यंग निबंध में लेखक ने एक दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। यह जो हमदर्दी होती है, कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने इस पाठ में दर्शाया है। यहां यह जो बाहरी हमदर्द पाठ है, हमदर्द इस पाठ में अगर हमदर्द इस शब्द का अर्थ देखें हम, सहानुभूति। आज हम समाज में देखते हैं कि जो परोपकार की भावना है और दूसरी ओर जो हमदर्द लोगों की मानसिकता है, इन्हीं मानसिकता को लेखक ने इस पाठ में चित्रित किया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगों की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी अगर मरीज अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती किया जाता है, और जब मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो हम या परिवार वाले उनके सगे संबंधी अस्पताल में मरीज को मिलने के लिए जाते हैं। तो देखिए, इसके दो प्रकार के अनुभव होते हैं। उसमें पहला अनुभव है खुशी का अनुभव। देखिए, अगर कोई अस्पताल में मरीज को देखने के लिए जाता है तो देखने वाले जब मरीज के पास आते हैं तो मरीज को क्या होती है, खुशी होती है, आनंद होता है। दूसरी बात है, कभी कभी मरीज को देखने वाले पड़ोसी सगे संबंधी परिवार वाले जाते हैं तो कभी कभी
करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, मरीज को यह अनुभवित करना पड़ता है। यहाँ मरीज को बारे में जो सहानुभूति है वह किस किस प्रकार की होती है, हमदर्दी किस किस प्रकार की होती है, यहाँ लेखक ने बड़े रोचक ढंग से इस पाठ में बताया है। एक दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से कार आ रही थी। यहां इस पाठ की जो शुरुआत है, एक लेखक एक स्थान से एक भाषण सुनकर आ रहे थे और उनके सामने एक कार क्या हो रही थी, सामने से आ रही थी। इसी प्रकार का वातावरण माहौल था। हम यहां देखते हैं कि जो लेखक के मन में भावना निर्माण हुई थी, देखिए हम भी कभी कभी क्या करते हैं, अगर कोई बात मन में महसूस करते आते हैं और कहीं अचानक सामने किसी प्रकार का अगर दृश्य हमें देखना पड़ता है तो हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो भावना है उसमें निश्चित परिवर्तन बदल दिखाई देता है। उसी प्रकार का बदल यहाँ लेखक के मन में दिखाई दे रहा था। भाषण के प्रभाव से जो लेखक साइकिल पर आ रहे थे और साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अरे देखिए, लेखक एक अलग मानसिक भावना में होने के कारण लेखक के मन में मेरी साइकिल तेजी से जा रही है या साइकिल को जोश आया है या कार को गुस्सा आया है, यह इसका जो अनुभव है यह अनुभव लेखक महसूस नहीं कर रहे। किंतु साइकिल और वह कार जब करीब करीब आए तो विरोधी की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा रहे। देखिए जैसे लेखक की साइकिल धीरे धीरे रास्ते से जा रही थी, सामने से एक कार साइकिल के कहां रही थी, करीब आ रही थी। करीब का अर्थ क्या है यहाँ, नजदीक। और यह साइकिल और यह कार जैसे इसे आपस में आकर जा भिड़े तो लेखक ने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग लगाई। और देखिए यह जो पूंजीवाद है, समाजवाद है, यह जो दोनों का झगड़ा है उसमें जो टांग अड़ाई, तो यहां एक मुहावरा है टांग अड़ाना। यह शब्द युग्म का शब्द है, परीक्षा के लिए ऐसे परीक्षे से शब्द युग्म के शब्द ढूंढकर लिखिए, इसके लिए ऐसे शब्द यहां समझ कर लेना जरूरी है। हमें ऐसे एक परिच्छेद पर परिच्छेद का आकलन करके हमें छोटे प्रश्न तथा संजाल हो, आकृति हो, तो उसका आकलन करके उसका जवाब लिखने के लिए आना चाहिए। यहाँ एक दो पर्याय वाला संजाल यहां मैं आपको बताता हूं।
प्रकार हमें परिचय का आकलन करके सभी